यूनिक कन्नू वर्ल्ड। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक माय वीडियोस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको गौनंदी सेवा जो कि सेक्टर 62 नोएडा में है उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो उससे संबंधित पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ, आपको देखें। एक सेक्टर 53 से कंप्लेन आई थी कि एक नंदी दो तीन दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है जैसे कि वो मरने वाला हो। तो ये गौनंदी सेवा के जो सदस्य हैं वो पहुँचे एम्बुलेंस के साथ, जो कामधेनु एम्बुलेंस है जो पशुओं के लिए होती है उसके साथ पहुँचे। तो उन्होंने देखा कि एक नंदी ऐसी जगह पे पड़ा हुआ है, बहुत कमज़ोर है ये, आप देख सकते हो, उठने पा रहा और ऐसे ही पड़ा हुआ है। बेबी दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो गौनंदी सेवा है इसके अंदर जो घायल पशु होते हैं, जो किन्हीं चोट लग जाती है या बहुत जिनकी हालत गंभीर होती है या जिन्हें थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है, उनको ये लोग यहाँ पर अपने उसमें लाते हैं। एक रामलीला ग्राउंड है, आप 62 में देखा होगा तो बहुत बड़ा, वहाँ पर इनको लाया जाता है, इनका इलाज होता है बाकायदा, अलग से डॉक्टर को बुलाया जाता है, पशु डॉक्टरों को, और इन्हें अच्छी डाइट दी जाती है। अभी देखिए, इसको अभी ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। देखो, डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये ज़्यादा दिन नहीं जिएगा, लेकिन फिर भी ये लोग इसे यहाँ पर लेके आए हैं। ये हो सके जितनी पॉसिबल कोशिश होती है ये ज़रूर अपनी तरफ से करते हैं कि कोई जानवर मरे ना, उसको हम बचा लें। तो उसको पूरी केयर दी जाती है। अभी आप देखिए, ग्लूकोज देने के कुछ घंटे बाद कोशिश करी जा रही है कि उसको उसके पैरों पर खड़ा करा जाए, ताकि थोड़ा वो कितने दिनों से वहाँ पर ऐसे पड़ा हुआ था, थोड़ा उसको शक्ति मिले या जो भी है थोड़ा ताकत मिले उसे खड़े होने की। देखिए आप, पूरी मेहनत करी जा रही है। ये सारा प्रोसीजर जो मैं दिखा रही हूँ एक सेम डे का प्रोसीजर है, इसी दिन इसको लाया गया, इसको दवाइयाँ दी गई, जो भी इसको ट्रीटमेंट दिया गया वो सब आज ही हुआ है, और उसी के बेस पे मैं आपको आज ये वीडियो दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं, अब ये नंदी खुद खड़ा हुआ है, अपने आप से स्टैंड है, अभी इसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। अब जब ये कंफर्टेबल हो जाएगा तो ये खुद ही वॉक कर रहा है। ये देखिए, यहाँ पर इन्हें प्रॉपर खाने पीने की पूरी सुविधा दी जाती है, गाजर खिलाई जाती हैं इन्हें, हरी सब्जियाँ, कुट्टी और बहुत सी चीज़ें नंदियों को, जो घायल गाय होती हैं जिनको बहुत ज़रूरत होती है, उन सबको यहाँ पर मदद दी जाती है। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा ग्राउंड है, और इसमें कुछ नंदियों को रखा है और गायों को रखा है, और यहाँ पर उनकी ध्यान रखने के लिए भी कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, और इन्हें पूरी केयर दी जाती है यहाँ पर कि हो सके पॉसिबल जितना अपने से कि इनकी रक्षा करी जाए, इनका ध्यान रखा जाए। दोस्तों, कोशिश करें कि घर से कम हर एक इंसान, अगर हर एक परिवार अगर 2 रोटी भी इन गायों को कम से कम दे सकता है तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। आप देख सकते हैं, अब ये इतनी अच्छी और स्वस्थ हो गई है कि ये खुद ही चल रही है, खा रही है, पी रही है, स्टैंड हो गई। कहाँ तो ये बिल्कुल डाउन थी, बिल्कुल मरने की हालत में थी, और कहाँ अब ये कंफर्टेबल अपने आप को देख रही है। ये देखिए, और भी यहाँ पर गाय नंदी है जहाँ पर। फ्रेंड्स, मेरी जो ये वीडियो बनाने का मकसद था या दिखाने का जो मकसद था वो ये था कि देखिए, सेक्टर 62 नोएडा में जो गौनंदी सेवा है वहाँ पर किस तरीके से पशुओं का ध्यान रखा जाता है। हम सबको कम से कम अपने घर से 2 रोटी या जितना पॉसिबल हो सके इन पशुओं को देना चाहिए, ताकि ये अच्छे से जी सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।